हेलो गाइज वेलकम टू सनसेल ऑफ मेडिकल साइंस तो आज हम लोग देखेंगे फाइलम सिनेटेरिया के बारे में जो कि एनिमल किंगडम का हमारा टॉपिक है ठीक है ना तो दोस्तों हम लोग पिछले क्लास में आपका देखा था फाइलम पॉरीफेरा एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फाइलम सिनेटेरिया के बारे में ठीक है ना तो सबसे पहले इसका हम लोग जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे फाइलम सिनेटेरिया का आपका क्या क्या इसका जनरल कैरेटरिस्टिक्स है सबसे सब पहले ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का क्या है टी लेवल सिमेट्री रहता है रेडियल सिमेट्री रहता है ये एंड ये, जिसका जम डिप्लोब्लास्टिक रहता है एंड ये ए सिलोमेट है ठीक है ना नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसका हैबिट एंड हैबिटेट का बात करेंगे तो मोस्टली मरीज रहता है एक्वेटिक में फिर इसके पास ये फ्री स्विमिंग रहता है एंड ये कॉलोनीज में फॉर्म करता है नेक्स्ट हम लोग इसका अगर जनरल कैरेक्टर में अगर डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात करेंगे तो इसका डाइजेस्टिव सिस्टम जो हो गया आपका इनकम्प्लीट रहता है सबसे पहले एंड इसका इंट्रा सेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर दोनों होता है इसमें ठीक है ना रेस्पिरेटरी सिस्टम एब्सेंट रहता है इसमें आपका एंड सर्कुलेटरी सिस्टम इज़ आल्सो एबसेंट इन फाइलम सिंडेरिया नेक्स्ट हम लोग रिप्रोडक्शन का बात करेंगे मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कैसा होता है रिप्रोडक्शन अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे पॉलिप पॉलिप एसेक्सुअली एसेक्सुअली एंड तो इसमें होता है जो आपका जो पॉलिप रहता है इसका दो बॉडी दो टाइप ऑफ बॉडी रहता है इसमें एक पॉलिप एंड सेकंड मेड्यूसा तब जो आपको आप पॉलिप रहता है ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है बडिंग के थ्रू एंड मेड्यूसा रहता है वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट मोस्ट आर सेपरेट सेक्सेज मतलब सेपरेट मीन्स मेल सेक्स ऑर्गन फीमेल सेक्स ऑर्गन सेपरेट रहता है ठीक है फर्टिलाइजेशन कैसा होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट इसका डेवलपमेंट है जो आपका इनडायरेक्ट होता है इनडायरेक्ट मीन्स लार्वा पहले लार्वा स्टेज का फॉर्म होगा फिर बॉडी का फॉर्म होगा नेक्स्ट हम लोग अगर इसका यूनिक फीचर की बात करेंगे तो टेंटिकल्स एंड सिनेडो ब्लास्ट प्रजेंट रहता है तो टेंटिकल्स क्या है टेंटिकल्स आपका फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है ये माउथ माउथ के पास सराउंडेड रहता है ठीक है ना एंड ये किस चीज़ में यूज होता है आपका फूड कैप्चर एंड डिफेंस सिस्टम में ये हेल्प करता है नेक्स्ट हम लोग अगर सिनेडो ब्लास्ट का देखेंगे तो सिनेडो ब्लास्ट आपका स्प्रिंग सेल है ये कहाँ प्रजेंट रहता है टेंटिकल्स एंड बॉडी में प्रजेंट रहता है ये फिल्ड विथ पॉइजन सॉरी पॉइजन कॉल्ड नेमेटोसाइट ये पॉइजन से फिल रहता है जिसको हम लोग निमेटोसाइट बोलते हैं एंड इसका यूज क्या क्या है एंकरेज में हेल्प करता है डिफेंस में हेल्प करता है एंड कैप्चर फ्रे कैप्चर प्रेमस अपने शिकार को चारों तरफ से घेरना ठीक है ना ये स्निडो ब्लास्ट इसमें हेल्प करता है अपने शिकार को घेरने में नेक्स्ट यूनिक फीचर देखेंगे एक गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी रहता है इसमें ठीक है ना क्या रहता है गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी ये आपका हो गया गैस्ट्रोवर कैविटी दिख रहा है यहाँ पे एंडोस्टो नेक्स्ट हम लोग एंड मैडोसा क्या हो गया नेक्स्ट फीचर हम लोग एंड मेडूसा ये दीज आर टू बॉडी इन सिनीडेरिया का दो बॉडी टाइप्स होता है एक पॉलिप एंड मेडुसा तब हम लोग अगर पॉलिप का बात करें तो पॉलिप इज ए ट्यूबलर अटैचमेंट ए सेक्सुअल फॉर्म विथ अपवर्ड डायरेक्टेड माउथ अपवर्ड डायरेक्टेड माउथ रहेगा एंड टेंटिका के साथ प्रेजेंट रहेगा इसका एग्जाम्पल हो गया आपका एडमेसिया एंड हाइड्रा ठीक है नेक्स्ट हम लोग अगर मेडुसा के बारे में देखेंगे तो uh, मेडोसा सॉरी ये पॉलिप का मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कैसा रहता है ये एसेक्सुअली रिपोड्यूज करता है एंड मेडुसा ये सेक्सुअली रिपोड्यूज करेगा ये अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर रहता है एंड फ्री स्विमिंग रहता है ये सेक्सुअल फॉर्म बॉडी का सेक्सुअल फॉर्म है डाउनवर्ड डायरेक्टेड माउथ उसका जो पॉलिप का माउथ रहता है ये अपवर्ड डायरेक्शन में रहता है एंड एंडसा का जो माउथ है ये डाउनवर्ड डायरेक्टेड रहता है एंड टेंटिकल्स भी इसका एग्जाम्पल हो गया आपका और जिसको हम लोग फिश भी बोलते हैं ठीक है नेक्स्ट यूनिक फीचर देखेंगे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जिसको हम लोग मेटास्टेटस भी बोलते हैं तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में क्या आएगा इसमें कि आपका पॉलिप मेटाजेनेसिस मेटाजेनेसिस बोलते हैं हम लोग उसको इसमें आपका रहेगा पॉलिप एंड मेडोसा तो जो आपका पॉलिप रहेगा वो मेडिसा को एसेक्सुअली रिपोप प्रोड्यूस करेगा एंड मेडोसा है जो ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा पॉलिप को ठीक है ना इंपॉर्टेंट है अल्टरनेसन ऑफ जनरेशन में एग्जाम्पल भी इसका इंपॉर्टेंट है ये देख लेंगे एंड ये हो गया इसका सेक्सुअल सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल इसका वेज हो गया कैसे करता है ये नेक्स्ट हम लोग इन फ्यूचर में देखेंगे कोरल्स कोरल्स हैव स्केलेटल मसल्स मेडअप ऑफ सी ओ सी थ्री कोरल्स का जो स्केलेटल मसल्स रहता है किस चीज़ से बना हुआ रहता है सी ए सी ओ थ्री से ये देख सकते हैं हम लोग जैसे कि मशरूम कोरल्स हो गया ब्रेन कोरल्स हो गया मेडपोर्स हो गया ठीक है ना और बाकी ये सब भी इसका डायग्राम में देख सकते हैं हम लोग नेक्स्ट हम लोग कुरस के बारे में और देखेंगे कुरस ऑफ मेड अप ऑफ सी ए सी थ्री ये स्पंजन कोरल हो गया आपका ठीक है ना स्टैग हॉर्न कॉरल इस ऐसा दिखता है स्टैग हॉर्न कॉरल ठीक ना ये हो गया आपका टेबल कॉरल टेबल कॉरल ऐसा लग रहा था आप लोग का ठीक है ना टेबल लाइक स्ट्रक्चर नेक्स्ट हम लोग का ब्रेन कॉरल जो कि ब्रेन टाइप का दिखता है सारा हमारा सी एस सी थ्री का बना हुआ रहेगा ये नेक्स्ट है पिलर कॉरल जो पिलर टाइप का दिखेगा ये ग्रेट बैरियर रिलीफ सॉरी ग्रेट बैरियर रिफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया का ये इमेज है ठीक है ना ये देख रहे हैं आप लोग ग्रेट बैरियर रिफ जिसमें आपका पॉलिप और मेडोसा लार्ज नंबर में शो कर रहा है ठीक है ना ये ऑस्ट्रेलिया का स्थिन है नेक्स्ट एग्जांपल्स एग्जांपल्स आर मोस्ट इम्पोर्टेंट अप एनिमल किंगडम हाइड्रा अब्लिया साइलेसिया जिसको हम लोग बोलते हैं पोर्टिक मैन ऑफ वार सी एडमेसिया बोलते हैं पेनाटूला जिसको सी बोलते हैं जिसको हम लोग सी बोलते हैं और इसको सी पेन बोलते हैं एंड हमारा हो गया ये मिनेटिया ठीक है ना मिन्ड्रीना जिसको हम लोग ब्रेन कोरल जो बोलते हैं तो सारा जैसे साइलेसिया हो गया उसमें जिसको हम लोग क्या बोलते हैं पॉर्टगुज मैन ऑफ वार ये सारा एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है एंड इसका जो अदर नेम लिखा हुआ है ब्रैकेट में वो भी इंपॉर्टेंट है डायरेक्ट जो ब्रैकेट में नाम लिखा हुआ है इससे डायरेक्ट हमारे नेट में क्वेश्चन काफ़ी पर पूछे गए हैं कि पोर्टुगुलज मैन ऑफ वार किसको बोलते हैं हम लोग साइलेसिया हो गया सी एम एन किसको बोलते हैं एडमेसिया ब्र ब्र कोरल मेड्रीना गोगोनिया किसको बोलते हैं हम लोग सी फैन को एंड पेनाटोला हमारा होगा सी पेन ठीक है ना दोस्तों तो एक बार हम लोग जल्दी से समराइज करेंगे फाइलम सिल को तो ग्रेड ऑफ हमारा हो गया ये समराइज में ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ये सो लेवल का रहता है रेडियो सीमेटरी रहता है डिप्लो प्लास्टिक रहता है एसिलोमेट रहता हैबिट है कैसा रहता है इसका एक्वेटिक रहता है फ्री स्विमिंग रहता है एंड कॉलेज में फॉर्म करता है डाइजेस्टिव सिस्टम आपका इनकम्प्लीट रहता है जिसके कारण इंट्रासेलर एंड एक्स्ट्रासेलर डाइजेशन दोनों हो सकता है रिस्पायरेटरी सिस्टम एंड सर्कुलर सिस्टम बोथ आर एब्सेंट ठीक है रिप्रोडक्शन कैसा होता है पॉलिप रिप्रोड्यूज एक्सर्सली एक्सेली एंड रिपोड्यूज सेक्सुअली मोस्ट आर सेपरेट मोस्ट से पास क्या रहता है सेपरेट रहता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता mm. है इसमें एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा तो डेवलपमेंट हमेशा इनडायरेक्ट ही होगा यूनिक फीचर इसका होगा गया अटेंटिकल विथ सिनेडो ब्लास्ट ग, ये आपका इंपॉर्टेंट है यूनिक फीचर ठीक है ना इसको नोट करके लिख ले आपका हो गया गैस्ट्रो वस्कुलर कैविटी हो गया ठीक है ना विथ ओपनिंग ऑफ माउथ कॉल हाइपोस्टोम एंड फॉर्म हो गया दो बॉडी फॉर्म है इसका सम सो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन फिर इसका कोरल हो गया कोरल जो मेडअप रहता है कोरल ऑपेस्टल मेडअप ऑफ सी ओ सी ओ थ्री ठीक है ना एंड एग्जाम्पल्स आर मोस्ट 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 इंपोर्टेंट तो एक को इग्नोर नहीं कर रहे एक को अच्छे से रखना एकदम हमें एंड सारे के और एक्स्ट्रा में जो नाम लिखा हो और उसको भी करना जरूरी है तो ये था हमारा एरिया फाइलम एरिया तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कौन से फाइलम फाइलम रहा जिसको हम लोग कॉम जेलिज एंड सी वॉलनट भी बोलते हैं तो यहाँ तक था हमारा फाइलम एरिया कम्प्लीट <coughs> तो आगे कंटिन्यू रहने के लिए आपको सब्सक्रिप्शन ले लें जो कि बिल्कुल फ्री है ताकि आप लोगों को कंटिन्यूस नोटिफिकेशन मिलते रहे एंड बेस्ट ऑफ लक थैंक यू दोस्तों मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में